नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक बहुत ही फेमस प्लेस वैली ऑफ फ्लोवर के बारे में। दोस्तों, अगर आप वैली ऑफ फ्लोवर आने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी फायदेमंद होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। दोस्तों, वीडियो में हम आपको वैली ऑफ फ्लोवर के बारे में बहुत सी जानकारी देंगे और हम आपको अपने ट्रेवल एजेंसी ट्रेवल टू उत्तराखंड द्वारा जो हमारा टूर पैकेज होता है वैली ऑफ फ्लोवर का, उसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। किस प्रकार हमारा टूर पैकेज होता है, हमारी टैक्सी किस प्रकार आपको वैली ऑफ फ्लोवर लेके जाती है, तो सारी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। इसी प्रकार उत्तराखंड हरिद्वार ऋषिकेश की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से पिछले कुछ समय से फूलों की घाटी में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब पर्यटक फूलों की घाटी में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु पर्यटकों को कुछ नियमों का पालन भी करना होगा, जैसे कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी जो कि 72 घंटे अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, उत्तराखंड में आने के लिए आपको देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो ये कुछ नियम है जिसका आपको पालन करना होगा। दोस्तों, फूलों की घाटी उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह खूबसूरत घाटी विश्व धरोहर में भी शामिल है। इस जगह की खूबसूरती देखते ही बनती है। आज हम आपको इस खूबसूरत जगह के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी के बारे में। दोस्तों, चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी में 500 से अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। यह फूलों की घाटी लगभग 87 वर्ग फुट में फैली हुई है। दोस्तों, घाटी की खोज वर्ष 1932 में ब्रिटिश पर्वतरोही व वनस्पति शास्त्री फ्रैंक स्मिथ ने की थी। वर्ष 1937 में फ्रैंक स्मिथ ने वैली ऑफ फ्लावर नामक पुस्तक लिखकर अपने अनुभवों को दुनिया के सामने रखा। वर्ष 2005 में फूलों की घाटी को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ। फूलों की घाटी जुलाई से सितंबर माह तक गुलजार रहती है। दोस्तों, खास बात यह है कि फूलों की घाटी हर 2 सप्ताह में अपना रंग बदलती है, कभी लाल तो कभी पीले फूलों के खिलने से घाटी में प्रकृति रंग बदल कर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो दोस्तों, आप भी फूलों की घाटी आ सकते हैं और हम आपको बताते हैं कि हम अपने ट्रेवल एजेंसी ट्रेवल टू उत्तराखंड द्वारा वैली ऑफ फ्लोवर का टूर प्रोग्राम किस प्रकार देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हम अपनी टैक्सी सर्विस ट्रेवल टू उत्तराखंड द्वारा अनेक वर्षों से यात्रियों को उत्तराखंड के अनेक स्थानों की यात्राएं करा रहे हैं। दोस्तों, हमारा मेन मोटिव यात्रियों को सबसे अच्छी और सुविधाजनक यात्रा कराना होता है। तो आज हम बात करेंगे वैली ऑफ फ्लोवर के टूर पैकेज की। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लोवर्स का टूर पैकेज हरिद्वार से 5 डेज का होता है। फर्स्ट डे में हम हरिद्वार ऋषिकेश या देहरादून एयरपोर्ट से पिकअप करके गोविंद घाट में नाइट स्टे करते हैं। दोस्तों, सेकंड डे में हम गोविंद घाट से 13 किलोमीटर ट्रैक पार करके घाघरिया में नाइट स्टे करते हैं। डे 3 में गोविंद घाट से 4 किलोमीटर का ट्रैक पार करके फाइनली वैली ऑफ फ्लोवर पहुंचते हैं। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लोवर के खूबसूरत नज़ारों के दर्शन करने के बाद वापस 4 किलोमीटर ट्रैक पार करके हम घाघरिया में नाइट स्टे करते हैं। और दोस्तों, डे 4 में घाघरिया से गोविंद घाट या जोशीमठ में नाइट स्टे किया जाता है। और दोस्तों, फाइनली डे 5 में
हम गोविंद घाट या जोशीमठ से वापस हरिद्वार ऋषिकेश आपको ड्रॉप कर देते हैं। इस प्रकार आप हमारे साथ वैली ऑफ फ्लावर का टूर पैकेज कर सकते हैं। हम अपने ट्रेवल एजेंसी द्वारा काफ़ी अच्छी और बहुत ही सुविधाजनक टैक्सी सर्विस आपको प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूरी डिटेल इस टूर पैकेज की आप हमसे फ़ोन पे ले सकते हैं। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि हमने जो जानकारी आपको दी है वैली ऑफ फ्लावर के बारे में आपको पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।